अंदर है, अंदर अंदर है, ये अंदर है। वो जीवन गाड़ी रो छोटी दे वाला वो सीखो करो आज। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरफराज खान में। और आज की रेस्क्यू कॉल हमें ग्राम नारायणगढ़ से मिली, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक फार्म हाउस बना हुआ है, इस फार्म हाउस के यहाँ पे जो सिंचाई की जाती है जिस पानी से, ट्यूबवेल या कुएं से, उस पाइप के अंदर इन्होंने कोई सांप देखा था, जिसपे इन्होंने एक बैग बांध के रखा हुआ था प्लास्टिक का, जो कि हमने हटा करके देखा है। और इस पाइप के अंदर हम उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं दोस्तों। इस पाइप के अंदर एक सांप है, और वो सांप एक कोबरा सांप है दोस्तों। और किस तरीके से इसको निकाला जाए वही आइडिया हम लगाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और मोटर को चलाने की कोशिश करेंगे ताकि पंप को चला करके पानी के प्रेशर से उसको हम बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों, ये किसानों के फार्म हाउस बने हुए हैं यहाँ पे, किसानों के घर हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ नेचुरल एरिया है, लेकिन कोबरा सांप जब पाइप के अंदर घुस गया है तो इसको निकालना भी बहुत ज़रूरी दोस्तों। इस तरीके से बाहर नहीं आया, काफ़ी देर इन्होंने इंतज़ार किया, इन्होंने वहाँ बैग भी बांधा लेकिन उसके अंदर नहीं आया है। उसके बाद इनका फ़ोन आते ही हम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पम्प भी हमने चालू करवा दिया है, और पाइप से अब पानी भी निकलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। इस तरीके के वीडियो सांपों की जानकारी और सांपों की पहचान, किस तरीके से सांपों को रेस्क्यू किया जाता है, किस तरीके से इन्हें पकड़ा जाता है दोस्तों, ये सारी हमारी ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। और कभी भी ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो देखकर इन सांपों को आप पकड़े नहीं, ये घातक और जानलेवा आप लोगों के लिए हो सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पानी छोड़ रखा है पाइप के अंदर, और अभी तक तो बाहर नहीं निकला दोस्तों। तो निकालते हैं दोस्तों, और इस सांप को फिर हम निकाल करके फिर से हम अपनी प्रकृति के अंदर छोड़ेंगे। और देख सकते हैं कभी वो सांप अंदर की तरफ पीछे की तरफ अगर आया होगा तो यह भी डर था कि कहीं पीछे की तरफ कहीं आगे लाइन में ना चला जाए, इसलिए हमने इस पाइप को यहाँ से फिर से खोल लिया है। तो दोस्तों, सांप को निकालते हैं बाहर और फिर आपको उस सांप की पूरी जानकारी देंगे। तब तक बने रहें दोस्तों वीडियो के अंदर। अंदर है, अंदर अंदर है, ये अंदर है। वो जीवन गाड़ी रो तड़का में ना को यो यो खड़ी में हां मैं नहीं निकली जाऊंगा हां वे क्यों उधर कुछ लगाऊं क्या अरे मुंडो बांधे के मैं कट्टो होनी दो सिक्के तो ऊपर बड़ा पा मोटर बंद कर जाओ इसमें बड़ा पा मोटर बंद कर जाओ इसमें नहीं हालो वे कट छेटी रो भागवा में पकड़ा को ये रुक गया। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पाइप से सांप को बाहर निकाल लिया गया है, और ये सांप एक भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा सांप, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग या नागिन दोस्तों। ये सांप विषैले प्रजातियों में खतरनाक सांप होता है दोस्तों। इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जो कि किसी इंसान को काट ले तो एक से सवा घंटे के अंदर मौत के नींद सुला सकता है दोस्तों। ऐसा सांप काटने पर आप सीधा सिविल हॉस्पिटल ले जाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, वरना
अपनी जान गवा बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको व्यवस्थित तरीके से वहाँ से निकाल लिया है और इसके गुस्से को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी इन बेजुबानों को मारे नहीं, हमेशा बचाने का प्रयास करें। कभी भी सांप दिखाई दे तो वन विभाग या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी रेस्क्यूअर को कॉल करें, ताकि इन बेजुबानों को बचाया जा सके। ये भी हमारा प्रकृति जीव है, कभी भी इन्हें मारे नहीं, ये भी हमारा प्रकृति के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसको व्यवस्थित तरीके से बाहर निकल लिया है। और वीडियो देखकर कभी भी इन सांपों को आप पकड़ने की कोशिश ना करें, ये आप लोगों के लिए घातक और जानलेवा हो सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कोबरा सांप और बिग साइज में और विषैले सांप होते हैं दोस्तों। कभी भी स्टनबाजी या ऐसे कॉपी करने की कोशिश ना करें, ये आप लोगों के लिए घातक और जानलेवा हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसे व्यवस्थित तरीके से रेस्क्यू कर लिया है और जल्दी हम इसको अपनी प्रकृति के अंदर फिर से छोड़ेंगे। तब तक बने रहें दोस्तों वीडियो के अंदर, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।